हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे इसका मतलब। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, तो और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे इसका मतलब। अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, हो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां कहां जीते हैं, कभी एक जीते, कभी दो जीते, कभी पांच जीते और किस जगह हम नंबर दो पे रहे, पूरी चर्चा हुई। और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे इसका मतलब। अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, हो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां कहां जीते हैं, कभी एक जीते, कभी दो जीते, कभी पांच जीते और किस जगह हम नंबर दो पे रहे, पूरी चर्चा हुई। और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोज एंड हिट द बेल आइकन to stay updated with the latest.